तो दोस्तों इस साइड भी पहुंच गया हूं मैं घर से, तो यहां से मुझे ऊपर जाना है। ये भी हमारे गांव का, पहुंच गए हैं भाई इधर संक्रांति देने। ये देखो भाई पकवान बनाए थे, तो मैं जा रहा हूँ देने के लिए। गांव में लगती नहीं है किसी की, तो उनके घर पर देने जाना होता है। पहाड़ों में ऐसे ही होता है, अगर आप देखते होंगे कि पहाड़ों में जिसकी नहीं लगती है तो उसके घर पर देने जाना पड़ता है। और ये काफ़ी बड़ा गांव है और काफ़ी बड़ा घर है यहाँ पर। यहाँ पर रहते हुए हमारे पंडित जी, इस बार पहली बार मैंने सोचा था कि मम्मी पापा घर पर रखें, तो पहली बार त्यौहार मनाएंगे धूमधाम से। तो यार इस बार ना पता नहीं यार हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई है। मतलब ये मम्मी के लिए है, थोड़ा ना सके ना दवाई खाता। दादी को लगभग 107 साल हो गए हैं। और तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ राशन लेने, और इस महीने की राशन लेके नहीं आया था मैं, तो अभी जा रहा हूँ। आज यहाँ है भाई हमारा गोदाम, अब यहाँ से रखेंगे हम राशन, देखते हैं हमें कितनी मिलती है। तो ये है भाई मार्केट, कुछ इस प्रकार सुनसान हो रखा है, वही जो हमेशा की तरह बिल्कुल सुनसान पड़ा रहता है शाम के वक्त भी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है कि 14 तारीख और 15 तारीख को मकर संक्रांति आ रही है, तो यार हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। इस बार पहली बार मैंने सोचा था कि मम्मी पापा घर पर आ रखें, तो पहली बार त्यौहार मनाएंगे धूमधाम से। तो यार इस बार ना पता नहीं यार हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई है। पापा की तबीयत ख़राब थी और बीच में मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, ठीक हो गई थी। आज मम्मी की तबीयत ना और ज़्यादा ख़राब हो गई है, और अभी मुझे नाश्ता बनाना है मम्मी पापा के लिए। तो दोस्तों अभी मैं बना रहा हूँ नाश्ता, मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया इसमें, इसके मैं बनाऊंगा भुजी। और अभी मैंने तेल रख दिया गरम करने के लिए। तो दोस्तों मेरी भुजी तो बनके रेडी हो गई है, तो इसी में करेंगे ब्रेड गरम। भुजी बन गई है, तो नाश्ता बन गया है। पहले नाश्ता देते हैं पापा को और फिर मम्मी को देंगे। यह है पापा के लिए नाश्ता, लियो। और ये है भाई मम्मी के लिए, और चाय हो गई एक ताई के लिए। मतलब ये मम्मी के लिए है, थोड़ा ना सके ना दवाई खाता। अभी सुबह के 12 बजने वाले हैं, तो नाश्ता काफ़ी लेट हो रहा है, तो मैं भी करता हूँ नाश्ता। और मम्मी पापा की तबीयत इसलिए ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि ना बैंगलोर से यहाँ आने में, बैंगलोर का मौसम तो आपको पता है ना, तो वहाँ ठंड होती है ना गर्म होता है, पहाड़ में सीधा आके यहाँ ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आप देख सकते हो मैं दिन में भी टोपी पहनी हुई है, तो शायद मौसम सूट नहीं हो रहा है और इसलिए तबीयत ख़राब हो गई है। और पता नहीं यार मतलब क्या बोल सकते हैं, कब ठीक होंगे। तो बस आप लोगों की दुआ है जल्दी ठीक हो जाएंगे, तब एक साथ फैमिली में और भी ब्लॉग बनाएंगे मस्त वाले ब्लॉग। तो बर्तन लगे, सबको धो लेते हैं। नाश्ता मैंने करा दिया है, फटाफट बर्तन धोते हैं पहले। तो मम्मी थोड़ा धूप सेकेगी, और अभी तबीयत थोड़ा ठीक हो गई है नाश्ता करने के बाद। थोड़ा बहुत सर दर्द होना चाहिए, खांसी सर दर्द। तो अभी पापा भी आ गए धूप सेकने। तो दोस्तों अभी लंच का टाइम हो रखा है और थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है, तो मम्मी पापा लंच कर रहे हैं। और हमारी एक छोटी बहन आ गई है, यानी पूनम, आपको बताते हैं। देखो मतलब कल संक्रांत है ना, तो उसके लिए सभी आ रखे हैं। तो एक छोटी बहन तो आ गई है पूनम, और एक और आ रही है यानी ताई की लड़की है, बड़ी ताई की लड़की पूनम, और एक दूसरी आ रही है, वो शाम को आपको पता लग जाएगा। तो अभी आपको पूनम से मिलाते हैं। और ये देखो भाई पूनम आ गई है, ये मम्मी पापा से मिलने। अरे हमारी भांजी, हेलो हिमांशी, हाय करो। तो हिमांशु हाय करो, तो इधर देखो, तो मामा को हाय करो, तो मामा नमस्ते कौन बोलेगा। तो ये है भाई पूनम जो है बड़ी ताई की लड़की, जय करो मामा को, जय। तो अभी पूनम आ गई है, और ये है पूनम की लड़की हिमांशी। तो अभी लंच हो चुका है मम्मी पापा का, तो पूनम भी आ गई है देखो। तो कल संक्रांत है ना, तब आई होगी पूनम भी। तो चलो दोस्तों अभी तो पूनम भी आ गई है, तो लंच करके थोड़ा आराम करते हैं और शाम को मिलेंगे। शाम को थोड़ा मार्केट की ओर भी जाना है, तो मिलते हैं आपको शाम को। तो दोस्तों अभी शाम का मौसम हो रखा है और 4 बज गई है, और मौसम देखो यार क्या प्यारा हो रखा है ना। सुबह से बादल लगे हुए थे, अभी सनसेट होने वाला है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और देखो मौसम शाम का, लड़के मैच खेलने जा रखे हैं नीचे, मैं तो गया नहीं क्योंकि घर पे मम्मी पापा आ रखे हैं,
तो तबीयत ख़राब हो रखी है थोड़ी। अभी मैं जा रहा हूँ राशन लेने, और इस महीने की राशन लेके नहीं आया था मैं, तो अभी जा रहा हूँ आज। और कल आपको पता है कि उत्तरायणी का कौतिक, उत्तरायणी का त्यौहार है, तो उसके लिए सामान लेके भी आना है। तो अभी जा रहा हूँ मार्केट की ओर, तो देखते हैं क्या क्या सब्जी आ रखी है, वो चीज़ देखेंगे मार्केट में जाके। तो आपको ले चलते हैं मार्केट की ओर। तो घर से निकल गया हूँ मार्केट के लिए, और गाँव के रास्ते जाएंगे। गुड इवनिंग, हम जा रहे हैं, बाय बाय हैं इस दुनिया को, इस गांव को छोड़ के जा रहे हैं शहर की ओर, इस गांव को छोड़ के शहर की ओर जा रहे हैं। गांव को छोड़ के हम कहां जा सकते हैं यार, अपना गांव इतना प्यारा है कि कहीं छोड़ के जा नहीं सकते, और बाहर जाने का मन करता नहीं है पहाड़ों से। फिलहाल तो अभी मैं दुकान जा रहा हूँ और कहीं नहीं। गाँव का मौसम क्या प्यारा हो रखा है यार, नीचे साइड शाम का मौसम कितना प्यारा हो रखा है, ये देखिए नीचे गाँव और ये है सामने मार्केट। तो चलते हैं भाई मार्केट की ओर। तो अभी आ गया हूँ मैं दादी लोग के घर पे। तो एक दादी हमारी यहाँ पर रहती है, और ये है भाई दादी का घर, ये देखिए। तो दादी तो है नहीं आजकल, चंडीगढ़ जा रखी है, और अकेला यह घर पड़ा हुआ है। तो बोलते हैं ना कि मतलब आपके गांव में बोलते होंगे ना स्वर परिवार, तो हमारा जो पूरा परिवार है ना भंडारी परिवार, वो है 10 परिवार का, मतलब काफ़ी बड़ा है। ऊपर रहते हैं हम, मतलब मैं, मतलब मेरे पापा, ताई, दूसरी ताई, और जो चाची चाचा रहते हैं वो इधर रहते हैं, और छोटे ताऊ इधर रहते हैं नीचे, और यहाँ पर रहती है एक दादी, यहाँ पर भी दादा रहते हैं, तो वो सब बाहर हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ चाची लोगों के घर पे, ये हुए हैं यहाँ पर, ये है चाची लोगों का घर, ये है ताऊ जी का घर, और बढ़िया। तो भाई ये था पीछे चाची लोगों का, ताऊ लोगों का घर। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट की, और मुझे राशन लेने जाना है, और बैग भी है मेरे पास सामान के लिए, सब्जी वगैरह भी देखनी है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ मार्केट में, और मार्केट में पहुंच चुका हूँ। तो ये है भाई मार्केट, कुछ इस प्रकार सुनसान हो रखा है, वही जो हमेशा की तरह बिल्कुल सुनसान पड़ा रहता है शाम के वक्त भी। ये है भाई सब्जी आजकल, आलू, गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, मटर, ये सब देखो भाई लोरी बनाने के लिए रेडी हो रखे सबके सब, ये देखो। ए हे, क्या बनाए बेसन से, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बेसन से, लोरी है ना लोरी, तो उसका जो गांव में ना प्रोग्राम मनाते छोटे छोटे बच्चे, पहले हम भी करते थे इंजॉय खूब, मतलब शाम को इकट्ठा होना है किसी के घर पे, और फिर बनाना वहाँ पर मैगी वगैरह सब कुछ बनाना। वैसे आज ये भी जा रहे हैं, इकट्ठे हो गए हैं, कोरी पनारी बोलते हैं हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में, वैसे लोरी होता है। चलो हम आ गए राशन के लिए। तो यहाँ है भाई हमारा गोदाम, अब यहाँ से रखेंगे हम राशन, देखते हैं हमें कितनी मिलती है। तो भाई राशन ले लिए मैंने, और कितनी ले रखी है ये देखो भाई, ड्राइव नहीं जा, ये कमी है राशन, देखो मेरे राशन ज़्यादा नहीं है, 10 किलो ये है राशन देखो। देर में ये देखिए भाई जलेबी, ये कल तक पूरे ख़त्म हो जाएंगे जलेबियाँ, अभी शाम तक ही ख़त्म हो जाएंगे जलेबियाँ, देख लो। तो भी रजाई बनाने होंगे ना, पुराने कपड़े देने हैं, और अच्छे मस्त रजाई बन जाएंगे आपके लिए, ये देखो भाई क्या आराम से बना रहे हैं, मस्त सिलाई देखो यार भाई की, ये देखो ये बनेगी रजाई आपको देने पुराने कपड़े, अब मस्त रजाई बनाओगे नहीं। तो दोस्तों अभी घर पे पहुंच गया हूँ, और सामान लेके आ गया हूँ पूरा, कल संक्रांत है तो आप सबको पता ही है, कल उत्तरायणी संक्रांत बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ जो भी है, और कल लोरी है, तो आज रात को लोरी मनाएंगे गांव में लड़के बच्चे जो भी हैं। तो दोस्तों मकर संक्रांति हमारे गांव में 2 दिन मनाई गई, एक कल थी और एक आज, जो मेन थी वो आज थी। तो कल तो मम्मी की तबीयत ख़राब थी आपने देखा होगा, तो मैं इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूँ इन दोनों क्लिप को। और आज बना रखी है मम्मी ने, मतलब पकवान बनाए थे,
तो मैं जा रहा हूँ देने के लिए, गांव में लगती नहीं है किसी की, तो उनके घर पे देने जाना होता है। पहाड़ों में ऐसे ही होता है, अगर आप देखते होंगे कि पहाड़ों में जिसकी नहीं लगती है तो उसके घर पे देने जाना पड़ता है। तो दोस्तों अभी मम्मी ने बना दी है पकवान, तो अभी यहाँ पर पितरों के लिए रखा जा रहा है। इसमें मम्मी ने बना रखे हैं पूरी पकौड़ी, तो मैं जा रहा हूँ भाई अभी देने के लिए। और पहले मुझे इस वाले घर में जाना है नीचे लल्लू के घर पर, तो इधर तो मैंने दे दी है, अब जा रहा हूँ उस साइड गांव की दूसरे साइड। तो नमस्ते सगियान खाना है। हाँ तो यार देखो दादी ना बैठ के धूप सेके सगरान खा रही है आराम से। दादी को लगभग 107 साल हो गए हैं। और तो सामने है भाई हमारा गांव नीचे, और सामने खूबसूरत हरियाली दिख रही होगी आपकी गेहूँ की सारी, और धुंध लगा हुआ है आगे। इस साइड है मार्केट, कितना प्यारा लग रहा है ना ये देखिए। तो दोस्तों इस साइड भी पहुँच गया हूँ मैं घर से, तो यहाँ से मुझे ऊपर जाना है। ये भी हमारे गांव का आधा हिस्सा है, इस साइड हमारे गांव में आता है ये भी। पहुँच गए हैं भाई इधर सगरान देने, ये देखो भाई। बोल नमस्कार, बढ़िया। तो यहाँ पहुँच गया हूँ मैं यहाँ सगरान देने, तो पहले देते हैं इधर। तो इधर है आधा हिस्सा गांव का, और ये काफ़ी बड़ा गाँव है और काफ़ी बड़ा घर है यहाँ पर। यहाँ पर रहते भाई हमारे पंडित जी जो कि जगरी है हमारे, ये देखिए। और वो ठीक ठाक, तो बुआ जी अभी धो रहे हैं यहाँ पर कपड़े, लगे हैं कपड़े धोने पे। तो ये है भाई बुआ जी लोगों का घर, यहाँ पर देख सकते हो हमारे पंडित जी हैं जगरी वाले। और इस साइड भी एक मकान है, ये इधर तो प्याज गोड़ा जा रहा है भाई, ये देखो हैं प्याज। चल गाँव गाँव में आपको प्याज की डाली दिखेगी। हूँ छेज प्याज की ना मिल गई, यो किलो यो कुंटल हो जा लगभग यो साल में कितने हो जा पचास किलो हो जाने या सीजन में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 50 किलो हो जाता है एक सीजन में यहाँ पर लगा रहे हैं। अभी गुड़ाई चल रही है यहाँ पर, ये देखो। तो हमारे घर आ रखी है दीदी, ये देखो ताई की लड़की है यानी गट्टू की दीदी है, अभी हमारे घर पर बैठी है। मम्मी मुझे बोल रही है कि कैसे बनाओगे, बल हाथ अभी बल बनाना, अभी खिलाऊंगा ना अपने हाथ से तब पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। तो मम्मी बना रही है अभी आलू मटर, एक सब्जी बन रही है हमारी आलू मटर, ये देखिए एक सब्जी बनेगी हमारी आलू मटर, ये देखो एक में बनेगा हमारा चिल्ली पनीर। तो पहले भाई मैं चिल्ली पनीर बनाऊंगा, और आलू मटर मम्मी बना रही है। तो दीदी हमारे मेहमान है, और ये देखो भाई दीदी से हम आटा गुनाएंगे, देखो रोटी बनाएगी दीदी हमारी। तो दोस्तों प्याज रख दिया मैंने, अब मोटा मोटा काटा था क्योंकि ना पनीर और शिमला के लिए ना ऐसे ही काटते हैं। तो दोस्तों अभी ये प्याज थोड़ा हो गया है ब्राउन हल्का सा, अब इसको निकालना पड़ेगा, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। नहीं थोड़ा शिमला मिर्च रखेंगे हल्का हल्का। कुकिंग सीखनी है ना तो आ जाओ भाई, आपको कुकिंग सिखा दूँगा मस्त फ्री में, नो फीस। इसी तरह मसाज भी होनी चाहिए, रोटी फुल्की वाली, रोटी देखो फुल्की वाली। तो दोस्तों अभी सब्जी रख दी है और रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में, पनीर डाल दिया मैंने इसमें। दोस्तों आलू मटर भी रेडी होने वाले हैं। डिनर की तैयारी शुरू, और आज के हमारे मेहमान दीदी, और ये है भाई जिया जी इधर देखो। तो दोस्तों अभी आ गए हूँ डिनर करके रूम पे, और मम्मी पापा दीदी जी ये सब कर रहे हैं बातें किचन में। तो भाई मैं और गट्टू आ गए ऊपर। तो यार आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे, और मम्मी पापा की तबीयत भी अब ठीक है, तो आज मेहमान भी पहुँच चुके हैं दीदी और जिया जी, यानी गट्टू की दीदी है ताई की लड़की है, तो हमारे घर पर आए थे मम्मी पापा से मिलने। तो चलो भाई आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे, और मिलेंगे आपको इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और सोच रहा हूँ क्यों ना आपको गांव का टूर कराया जाए, और एक ब्लॉग सोच रखा मैंने काफ़ी टाइम से, उसको बनाएंगे और आपको ये बताएंगे। तो मिलते हैं आपको जल्दी आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लाइक कमेंट जरूर करना।